हेलो स्टूडेंट्स, सामने कैसे हैं आप? खड़े से हैं आप? खड़े खान योर टीचर। पहले स्टूडेंट, फिजिकल क्लास में मैंने आपको लेक्चर दिया था एरेक्शन क्लास के हवाले से, डिफरेंट लेक्चर्स। तो मैंने प्रॉब्लम 1 से 20 तक करवा दिया था क्लास में। मैंने बच्चे पूछा है मैंने, तो उन्होंने रिप्लाई किया सर आपने 1 से 20 तक हमें करवा दिया था। ओके स्टूडेंट, जब तक क्लास हमारी स्टार्ट नहीं होती फिजिकल, तो मैं आपको यानी कि 21 से ऑनवर्ड जितनी हो सकेंगे मैं आपको लेक्चर रिकॉर्डेड आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप देखें कि अच्छा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जरा सा वेट कर लें, जहाँ से स्टार्ट 21 स्टार्ट है वहाँ से फॉलो करें। अगर जब बाद में क्लास हमारी स्टार्ट होगी फिजिकल क्लासेस, तो ऑफकोर्स मैं उस वक्त आपको कवर करवा दूँगा। ठीक है, एक ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तब तक के लिए भी आप जहाँ से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, न्यू हो या ओल्ड हो, 21 से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एरर की वर्कशीट मैंने आपको दी थी क्लास के अंदर, अगर नहीं भी है तो यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है बच्चों, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करवा रहा हूँ, देखिए क्या होता है और सुनने वाले लेक्चर आपने अंडरस्टैंड करना है बिल्कुल तरीके से। ठीक है, ये है बच्चों। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास, क्लियर है। अब आपने इसको देखना है गौर से, 21 से मैं ऑनवर्ड पूरा करवाऊंगा जब तक हमारे जितने भी लेक्चर बन जाएगा। ठीक है ना, और इससे समझना है, एरर निकालना है आपने, अंडरस्टैंड करना है कैसे होगा। ठीक है, क्लियर है, आवाज़ आ रही है? ओके, आवाज़ पूरी क्लियर आपको आ रही है? अब देखिए हमारे पास क्या है, द हैन हैज लेन एग। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो मसला है बच्चों, ये देखना हमारे पास क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास वर्ब की ये ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन ये फर्स्ट फॉर्म ले है, सेकंड लेट, थर्ड लेट, एक और देख लें, लाई ले लेने। ठीक है, अब ये वाला जो हमारे पास है ले, इसके मीनिंग है अंडे देना। ठीक है ना, सेकंड फॉर्म क्या है इसकी, लेड है, और थर्ड क्या है इसकी, लेड है। अब आप देखें मुर्गी जो है वो ऑफकोर्स, अच्छा ये लाई जो है वो क्या लेटना होता है, बिछाना, ले जाना, और ले क्या है ऑफकोर्स सेकेंड फॉर्म वर्ब की, और लेन थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर लिखा हुआ है 21 में द हैन हैज लेन एग्स, ये हमारी गलती क्या है हमारे पास, ये एरर है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा लेड आएगा, द हैन हैज लेड होता है ना कि लेन, क्लियर है। वर्ब थर्ड फॉर्म है तो ऑफकोर्स लेन थर्ड फॉर्म है, यहाँ लेड होगा। अब नंबर देखेगा 22, देखिएगा द बॉय लेड अंडर द ट्री। अब यहाँ लेड के में अंडर देना होता है, सेकेंड फॉर्म है लेड, क्या लड़का डायरेक्ट नीचे अंडे दे रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पर आएगा बच्चों द बॉय, यहाँ होगा ये वाला आएगा ले आएगा, सॉरी ये वाला। ठीक है, ले क्लियर है, इसका आंसर हमारा द बॉय ले अंडर द ट्री, यस। पैर हमारा ये वाला है, यहाँ पे आएगा लेट कटेगा हमारा, और यहाँ पर ले आएगा, और 21 में हमारा लेन यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आएगा ले आएगा, क्लियर है बच्चों। नंबर देख लें और से, ओके आगे बढ़ते हैं ना। नंबर देखें 22 हो चुका है, देन हमारे पास जो है वो 23 देख लें। कुछ ऐसे नाउन हैं जो ऑफ कोर्स इस तरह जैसे फोर वीक्स, ठीक है, यस फोर वीक्स, थ्री डेज, फोर मंथ्स, फाइव इयर्स, सेवन डेज, थ्री आवर्स, टू मिनट्स, एंड में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो उसके बावजूद भी हमें जो वर्ब जो फॉलो करवाएंगे दैट शुड बी सिंगुलर, यहाँ पे आर कटेगा और हमेशा आएगा इज आएगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब तीन टाइप में, प्रेजेंट में तो इज आएगा, पास में तो वॉज आएगा, और परफेक्ट में तो हैज आएगा। अगर एक्शन वर्ब है तो उस वर्ब के एंड में एस और एस आएगा। ठीक है, और प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं, प्रेजेंट में आर, पास में वर, और परफेक्ट में हैव, और अगर एक्शन वर्ब है तो उसके एंड में एस और एस नहीं आएंगे। नोट कर लिए, मैं लिखवाया भी क्लास है मैंने, ठीक है, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ आपको मैं, एक मिनट यहाँ लिखता हूँ मैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, इज,
4 weeks is a good holiday. ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको सिंगुलर वर्ब और प्लुरल, सिंगुलर वर्ब और वर्ब. अब यहाँ देखें क्या होगा, सिंगुलर में इज है, ठीक है ना, वॉज है और हैज है, और प्लुरल में क्या है बच्चों, आर है, वर है और दे आर कॉल प्लुरल वर्ब. ठीक है, याद रहेगा आपको. इसलिए 4 weeks यहाँ पे आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 4 weeks इज अ गुड हॉलीडे. क्लियर है, नेक्स्ट पे आता हूँ मैं, 24. ठीक है, यहाँ देखे बच्चों, if any problem occur to you, you can discuss on your WhatsApp group. ठीक है, you can ask me sir this problem which I didn't get it, make me understand, I will make you understand. Okay, you must ask me. मैं लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ठीक है, वन स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम वाइज. इफ यू डू नॉट गेट इट एनी प्रॉब्लम यू मे डिस्कस, यू मे आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है बच्चे, ओके, नाउ 24 पे आते हैं. 24 देख लें क्या है, 24 हमारे पास क्या है, यहाँ देखें, द किंग विद हिज मिनिस्टर. अब ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर क्या है बच्चों, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, एनी सिंगुलर नाउन, द किंग, द स्टूडेंट, द खालिद, माय मदर, योर अंकल, सिंगुलर नाउन के बाद हमने क्या फॉलो करवाना है, उसके बाद विद आ जाए. विद अगर नहीं आ रहे तो ऑफकोर्स यू कैन सी क्या आना चाहिए, ऑफ. अगर ऑफ भी नहीं आ रहा है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, अकॉम्पेन बाय. ठीक है, एनी सिंगुलर नाउन के बाद विद आ जाए, विद अगर नहीं तो ऑफ आ जाए, ऑफ अगर नहीं तो अकॉम्पेन बाय आ जाए, उसके बाद हमारा फिर क्या आ जाए, ये देखें, प्लुरल नाउन. उस तरह हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है, हमारे पास क्या प्रोनाउन है, देन हमने फॉलो करवाना है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म. क्या इसका आंसर बनेगा, द किंग विथ हिज मिनिस्टर्स वॉज प्रेजेंट. वर्ब हमारा प्लुरल है, यहाँ पे आएगा वॉज. ये जो वर्ड जो है ये कट के वॉज क्यों आ रहा है, बिकॉज ये किससे अग्री करेगा, ये किंग से करेगा, किंग किस हालत में, सिंगुलर हालत में, इसलिए यहाँ पर आएगा वॉज. ठीक है बच्चों, कॉपी करें, लेक्चर को आपने अंडरस्टैंड करना प्रॉपर वे में. ठीक है, ओके, 25 देखें बच्चों और गैस करें कि आपको इसमें क्या लगता है, 25 के अंदर आपको लग रहा होगा इसमें एम ए एन मैन हो जाएगा या पर इसमें आ कट जाएगा इसमें. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा एक फ्रेज है, मैनी आ इज अ फ्रेज, मैनी आ इज अ फ्रेज. इसके बाद मैनी आ के बाद नाउन हमेशा किस हालत में आएगा, प्लुरल, जैसे मैनी अ बॉयज, मैनी टीचर्स, मैनी अ गर्ल्स, मैनी अ स्टूडेंट्स, मैनी अ बॉयज, मैनी अ वैमेन, प्लुरल. देन उसके बाद जो वर्ब है दैट शुड बी सिंगुलर. ठीक है, अब आप बताएं कहाँ इसमें एरर है, मिल गया एरर, मिला आपको, ऑफ कोर्स ये रहा एरर आपका. यहाँ पर क्या होगा, मैनी, मैनी भी आ रहेगा, मैन भी रहेगा और यहाँ वर्ब कट क्या आएगा बच्चों, वॉज आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है, वर्ब हमारा प्लुरल है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा. क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, सॉरी जैसा. नंबर 26 देख लें बच्चों, नंबर 26 में हमारे पास क्या आ रहे हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं प्यारे बच्चों जो अपीयर टू बी प्लुरल फॉर्म, दिखते हैं किस हालत में, प्लुरल में, जैसे मैथमेटिक्स है 1, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स आ रहा है, फिजिक्स
इकोनॉमिक्स न्यूज, ये दिक किस हालत पर है, प्लुरल फॉर्म में देख रहे हैं, प्लुरल में, लेकिन अपने बात ये लगा लेते हैं सिंगुलर वर्ब, क्या कह रहा मैं, ऐसे नाउन भी हैं इंग्लिश में जो दिखते हैं प्लुरल यानी जमा हालत में, जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक नहीं होता है, मैथ्स, मैथ नहीं होता है, फिजिक्स, फिजिक नहीं होता है, फिजिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से, इकोनॉमिक्स से, न्यूज़ है, ये दिख गया जिसमें प्लुरल फॉर्म में, ये अपने बात ये सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, मैथमेटिक रिक्वायर्स, रिक्वायर प्लुरल फॉर्म में, यहाँ पे क्या करेंगे इसके एंड में एस लगेगा, रिक्वायर्स ब्रेन, ठीक है। क्लियर है, मैस्टर से पढ़ाना देखिए, अगर पॉज देखे तो आप समझो गौर से, लेक्चर अंडरस्टैंड करो, हैंड फिल लगाकर सुनो गौर से मैं क्या क्या बातें बता रहा हूँ, इसकी एरर के बाद मैं दूंगा आपको वर्कशीट पैटर्न के लिए जो काफ़ी डिफिकल्ट है, और बेस करते हैं एरर्स के ऊपर, तमाम एरर्स आपके कैनेडा यूनिवर्सिटी वगैरह में, उस्मान यूनिवर्सिटी में, दाऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में आते हैं, ठीक है, तो आपको तमाम यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके नाउ नंबर में आता हूँ 27 में, क्या लिखा हुआ है बच्चों, द कमेटी हैज इशूड देयर रिपोर्ट। यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपको कि वेन एवर वी यूज कलेक्टिव नाउन दैट टेक्स सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज वेन एवर वी फाइंड, वेन एवर वी सी द कलेक्टिव नाउन लाइक कैबिनेट है, ज्यूरी है, कमेटी है, स्टाफ है, मेंबर है, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन, टीम है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इनके बाद हमेशा वर्ब क्या आती है, सिंगुलर फॉर्म, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर अगर आ जाए प्लुरल, कौन से पोजेसिव प्रोनाउन क्या आ जाए, अगर प्लुरल, ये रहा हमारा प्लुरल, ये देखिए ये रहा प्लुरल, देर दिया भाई प्लुरल, ये प्रोनाउन है, कौन से प्रोनाउन है, प्लुरल पोजेसिव प्रोनाउन है, तो ऑफ कोर्स अगर ये दिख जाए आपको, आपको यानी कि कलेक्टिव नाउन के अंदर, तो फिर वर्ब शुड बी प्लुरल, अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, आई सेड whenever you see the collective noun that takes singular verb like is, was, has, lekin jumle ke andar jaye there, ye kya hai, there ke hamare paas possessive pronoun hai, to phir verb should be plural form, to ab isme error kya nikalega hamare paas, the committee have issued their report, clear hai, number 28 प्रांचन, मैं बड़े पॉज देकर बता रहे थे ताकि आप आराम से इसको अंडरस्टैंड करें, बहुत ही आसान है बच्चों, अगर आप इसको और सुनोगे तो ऑफकोर्स आपके लिए आसान है, अगर इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आगे मुश्किल है, ठीक है। 28 पर देखें, एवरीवन आ जाए, एवरीवन ऑफ, नो वन ऑफ, समवन ऑफ, नॉट एनीवन ऑफ, one of, anyone of, each one of, no one of के बाद हमेशा noun plural, देखें everyone of के बाद क्या है, the man की हालत में plural है, इनके बाद noun plural verb singular, noun plural verb singular, तो आपको गलती कहाँ है बच्चों हमारे पास, देखें और से, everyone of the men यहाँ पे आएगा was given reward, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाए नंबर 20 बच्चों, एवरी वन ऑफ आ जाए, नो वन ऑफ आ जाए, सम वन ऑफ आ जाए, नॉट एनी वन ऑफ आ जाए, वन ऑफ आ जाए, तो उसके बाद नॉन प्लुरल वर्ड हमेशा सिंगुलर, वर्ब शुड बी सिंगुलर, ओके। नाउ नंबर देखें बच्चों 39 पर आ जाए, अब देखो दो नाउन को ज्वाइंट कर रहे हैं एंड से पहले ईच आ जाए, अगर दोनों को ज्वाइंट एंड कर रहे हैं तो वर्ब शुड बी प्लुरल, बट उनसे पहले ईच आ जाए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है ना, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, ईच के बाद सिंगुलर नाउन, देन एंड पर ईच के बाद नाउन सिंगुलर, तो वर्ब शुड बी सिंगुलर, अगर ईच नहीं होता तो वर्ब शुड बी प्लुरल फॉर्म, क्लियर है, यहाँ पर होगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल, जल्दी कहाँ पर है, वर्ब में, यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब प्रेजेंट आएगा, ठीक है।
ओके आर यू गेटिंग माय लेक्चर बच्चों? ऑफ कोर्स क्या करो बच्चों, फिजिकल में जिस तरह मैं पूछता हूँ स्टूडेंट वगैरह से, लेकिन रिकॉर्डिंग में आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे डिस्कस लाद में करना सर, ये लेकिन प्रॉब्लम में मेंशन करना सर, ये प्रॉब्लम आई कुडंट गेट इट, मेक मी अंडरस्टैंड, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं, थर्डी पर आते हैं। दो नाउन को ज्वाइन कर रहा है एज वेल एज, दो नाउन ज्वाइन विद एज वेल एज, तो ऑफको वर्ब शुड बी सिंगुलर। क्या लिखा जैक एज वेल एज जैनी, मैंने क्या बताया दो नाउन ज्वाइनिंग विद एज वेल एज, वर्ब शुड बी सिंगुलर, यहाँ क्या होगा बच्चों, जैक एज वेल एज जैनी हैज कम, ये इसका आंसर होगा, ठीक है? अब नंबर देख लें 20-31 पर आ जाए। अब 31 में आए और देखें यहाँ पे सवाल ये सेंटेंस है डब्ल्यू एच पी ए और सवाल ये भी आए, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, यू हैव टू मेक क्वेश्चन वाइज, ठीक है? आपने करना क्या है इसको, मैंने क्या बताया डब्ल्यू एच के बाद हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब, अभी टोल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब सवाल ये बना हुआ तो टोल्ड हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड आएगा, तो क्या इसका बनेगा आंसर, व्हाई डिड शी टेल अ लाई, व्हाई Did she tell a lie? Okay. अब इसको देखते हुए अगला बनाया खुद से आप लोग, खुद बनाए, मैं वेट कर रहा हूँ, बनाए खुद से आप लोग। 32 नंबर है, बन जाएगा डब्ल्यू एच पेन आ गया, इसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो when will you return home? ये इसका आंसर है। Good. अब 33 खुद से बनाए आप लोग, क्या बनेगा ये सिंपल प्रेजेंट में, ये यहाँ दो एरर है बच्चों, विच बुक डस, डस क्यों लगा बिकॉज ही सिंगुलर है, ही के बाद जब डस आ गया बच्चों तो आपको लाइक से ऐसा माना गया, विच बुक डस यू लाइक द बेस्ट, ये इसका आंसर होगा। 34 देख लें बच्चों, 34 में क्या करना है, 34 में हमारे पास शैल नहीं आएगा, ही शीट के साथ शैल नहीं आता, विल आता, आई थिंक ही विल बताएं इसमें कहां गलती लग रही है आपको, पहले आप खुद चेक करें और गैस करें कि आपको कहां, मैंने ये लेक्चर दिया है फर्स्ट डे की क्लास में, देखते दिमाग के तेज आपका है। ओके मैंने बताया था बच्चों हैड बेटर के बाद टू फॉर्म कभी नहीं आती, तो आपको याद आती क्या टू, यू हैड बेटर नॉट रिमेन हियर, ये हैड बेटर की मीनिंग क्या होता है एडवाइस सजेस्ट करना, ठीक है? पास परफेक्ट है नहीं, ये हैड बेटर इज सिमिलर टू मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद टू फॉर्म कभी नहीं आती, इसलिए यहाँ पर टू फॉर्म नहीं, तो मैं एरर क्या है इसमें टू इसमें से हट जाएगा बच्चों, क्लियर है? गुड। नंबर देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, 36 देख लें, डिड नथिंग बट के बाद टू फॉर्म कभी नहीं आती है, तो गलती हमारे पास क्या है, शी डिड नथिंग बट के बाद क्या आएगा लास्ट टू काट देंगे बस, नथिंग बट के बाद टू कभी नहीं आता, इसलिए एरर हमारा क्या है इसमें टू, तो क्या इसका बनेगा आंसर, शी डिड नथिंग बट लाफ, क्लियर है? थर्टी सेवन के अंदर हमारे पास क्या, ये ओल्ड ब्रिटिश में है हमारा, नीड नॉट के बाद टू फॉर्म नहीं आई, ये फॉर्मल में है ग्रामर, यू नीड नॉट गो देयर, इसका इनफॉर्मल क्या बनेगा, यू डू नॉट नीड टू गो देयर, तो हमने फॉलो करना है फॉर्मल ग्रामर, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा यू नीड नॉट गो देयर। ओके आगे बढ़े, ओके देन 38 पर आता हूं मैं, 38 में हमारे पास जो मिस्टेक्स से देख लें, आई वॉन्ट अ पेन टू राइट के बाद आएगा विथ,
राइट विथ पेन में जब भी पेन पकड़ते यू हैव टू जस्ट ग्रैब इट, तो राइट विथ इसका आंसर होगा। यहाँ गलती क्या हमारे पास, मिस्टेक हमारे पास क्या, क्या मिसिंग है यहाँ, राइट के पास विथ आना चाहिए था। तो आई वॉन्ट अ पेन टू राइट विथ इसका आंसर। ओके 39 पर आ जाए, आई मस्ट हैव ट्वाइस टू प्ले के बाद आएगा विद, प्ले जब भी करते प्ले विद होता है, आई मस्ट हैव ट्वाइस टू प्ले विद। ठीक है, तो आज के बच्चों लेक्चर देख ले हमने, आज आपको दोबारा रिव्यू करवाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको आज करवाया है 21 से लेकर, करवाया मैंने आपको कितने 21 ओके कर लिए मैंने, 22 देख लें बच्चे दोबारा देख लें एरर को, 23 भी देख लें, देन 24 देख लें, 25, 26, 27। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो मुझे ग्रुप में आप नंबर वाइज को आप जो सेंड मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई मस्ट रिप्लाई योर आंसर इंशाल्लाह। ठीक है, 35 देख लें, 36 देख लें, 37, 38 और 39 तक। ठीक है, तो आज के लेक्चर जो हमारे बनाए हुए 21 से लेकर 39 लेक्चर तक दिए प्रॉब्लम बताया मैंने, आई होप दैट यू अंडरस्टूड माई लेक्चर वेरी वेल। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे लेते जाता हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हमारे कौन सा होगा, 41 से लेकर 40 से लेकर 50 तक होगा। ये इससे सैंडी बनाई हुई है, 21 से 39 फिर 40 से लेकर 49 तक। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कभी क्वेश्चन हो मुझे लाजमी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।